अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टिकटॉक में आपको वेलकम है। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको चौकों पे या दामन पे जो है डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये मैंने एक जो है कार्ड लिया है, या कोई भी आप पेपर ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस पे डिज़ाइन काटना बताऊँगी और फिर आपको उसका पैटर्न बताऊँगी। इसके लिए व्यूवर्स आपने करना ये है, आप इंची टेप ले लीजिए इस तरह से, और आप यहाँ से 3-3 इंच का जो है वो यहाँ पर कार्ड या चिप्स जो है वो भी हमने तकरीबन 3-3 इंच की जो है वो चिप्स का यूं निशान लगा लेना है। लगाने के बाद व्यूवर्स ये जो है यहाँ पे ये जो है इसका जो लाइन आ रही है, हमने इस पे अंदाजे से जो है यहाँ पे एक जो है कट का निशान बनाना है। वो हम कट जो है तकरीबन 2 इंच का बना रहे हैं। कट यहाँ पे हमने एक यूं कट लगाया, सेम इसी तरीके पे हमने यहाँ पे 2 इंच इधर रखा इस तरह से, और हमने एक निशान इस तरफ को लगाया इस तरह से। व्यूअर्स, ये एक जो है ये कट सा जो है ये बन गया है। इसी तरह से हम इसको 2-2 इंच के जो हैं यहाँ पे कट वर्क जो है वो करेंगे इस तरह से। इस तरह से कर लीजिए व्यूअर्स, 2-2 इंच का आपने निशान लगा के इसको इस तरह से बनाना है। बनाने के बाद व्यूअर्स आप इसकी जो है वो कटिंग कर लीजिए। पेपर की आप जब कटिंग करेंगे, उसके बाद जब आप चिप्स की कटिंग करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आपकी जो है वो चिप्स है वो भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आपने कार्ड जो है वो काट लिया। इसको आप 3 या 4 जो है वो कट इस तरह से जो बनाए हैं मैंने, निशान लगाए हैं, ड्रॉ किए हैं, आप इसी को जो है कट कर लेंगे, और इसका ये जो एक्स्ट्रा है पेपर सा ये आप निकाल के फेंक देंगे। तरह से ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से जो है ये मेरे पास जो है ये इस तरह का मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये आप पांचों पे भी बना सकते हैं, ये आप चौक पे भी बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं, जिधर आपका मतलब दिल करे आप उस जगह पे इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। ये हर जगह के लिए ही डिज़ाइन है व्यूअर्स। इस तरह से जब आपने काट लिया, काटने के बाद ये आपके पास एक जैसे जो है ये एक तरह का जो है डिज़ाइन का जो है एक मेजरमेंट के हिसाब से आपके पास आ गया। अब आपने जो है चिप्स लेनी है, चिप्स के ऊपर आपने इसी तरह पेंसिल की मदद से आप इसके निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद उस चिप्स को काट लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जो है चिप्स पे उस तरह ही निशान रख के जो है मैंने इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से मैंने रख के यहाँ यहाँ पे मैंने निशान लगाए। लगाने के बाद मैंने ये जो चिप्स को सेम इसी तरीके पे मैंने जो है इसी नाप के साथ मैंने काट लिया है व्यूअर्स। इसको काटने के बाद अब हम इसको ये जो चिप्स है इसकी ये जो शाइन वाली साइड होती है इसको हम इस तरह नीचे रखेंगे, और यहाँ पर हम कपड़ा नीचे बिछा के जो मैचिंग का कपड़ा हमने मैंने लगाना है मैं उसके साथ ये लगाऊँगी। लगाने के बाद इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगी और मैं अपना डिज़ाइन जो है वो आपको बनाना बताऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास कपड़ा था कंट्रास्ट के साथ, ये मेरे पास कपड़ा है। यहाँ पे मैंने वही वाली जो है चिप्स जो मैंने आपको पहले काटना बताई है मैंने इस तरह से उसको रखा। रखने के बाद इसको मैंने जो है पेस्ट कर लिया। अब व्यूअर्स इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो ये करना है कि ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा यहाँ पर हमने हल्का हल्का सा इसको छोड़ते जाना है इस तरह से, और इसका जो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने सारा काट देना है। इस तरह से हम जो है कपड़ा ये जो है सारा उतार देंगे। उतारने के बाद फिर हम इसको अपने जो है शर्ट पे डिज़ाइन के तौर पे बना सकते हैं।
इस तरह से जब हमने इसको काट लिया व्यूअर्स, काटने के बाद आपने यहाँ पे ये जो दरमियान में आ रहा है इसका एक कोना सा आएगा, हमने यहाँ पे कट इस तरह से लगा देना है ताकि जब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड करें तो यहाँ से जो फोल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। आइए व्यूअर्स, अब मैं आपको ये डिज़ाइन जो है शर्ट के चौक पे बनाना बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको इजीली और सफाई के साथ जो है अपने शर्ट पे लगा सकते हैं और शर्ट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये व्यूअर्स, मेरे पास ये जो है शर्ट का चाक है। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने एक एक सिलाई लगा ली है, चाक जो है मेरे वो बन गए हैं, फोल्ड हो गए हैं। अब व्यूअर्स हमने करना ये है कि हमारे पास ये जो था मेरे पास मैचिंग का कपड़ा, इसको हमने यहाँ से इस तरह अंदर की साइड को चिप्स के बिल्कुल साथ साथ फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से रखेंगे बिल्कुल किनारी पर, यहाँ पर रख के हम इस तरह से एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से सीधी सीधी जो है वो हमने एक सिलाई लगा देनी है, इसको हम ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आके ये देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हमने अंदर के साइड को फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको अंदर की साइड को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने जो है एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हम इसको जो है अपने डिज़ाइन को वो पूरा कर लेंगे। इस तरह से व्यूअर्स ये देखिए मैंने जो है अपना वो डिज़ाइन वो कंप्लीट कर लिया। इस तरह आप जो हैं आप अगर चाहें तो आप इसके चौक के साथ साथ आप इसके यूं दामन पे भी बना सकते हैं। दामन के साथ यही डिज़ाइन आप पोंछों पे भी बना सकते हैं, आप यही डिज़ाइन बाजुओं पे भी बना सकते हैं और यही डिज़ाइन अगर आप दुपट्टे के जो है एक बड़ी वाली साइड होती है माथा पट्टी वाली साइड वहाँ पे भी बनाएंगे तो दुपट्टा लिया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल एप्लिका टच ये देगा। व्यूअर्स, इसी तरह से आपने जो है चाहें आप सिर्फ फ्रंट साइड पे बना लीजिए, आप चाहें इसको बैक साइड पे भी कर सकते हैं और इस तरह से जो है सेम इसी पैटर्न पे जैसे मैंने ये फ्रंट साइड पे लगाई है सेम इसी तरह बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो डिज़ाइन है ये बनाना सही तरीके से समझ आया होगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक व्यूअर्स आके जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हमने जो है काट देना है। काटने के बाद आपने इसको यहाँ से अंदर की साइड पे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है। अब हमने व्यूअर्स यहाँ से जो है इस तरह इसको सीधा सीधा रखना है और ये जो कटा मैंने बनाए थे मैंने उसके साथ साथ जिस तरह मैंने यहाँ पे चिप्स के साथ साथ कपड़ा फोल्ड किया सेम इसी तरीके पे मैं यहाँ से भी साथ साथ कपड़ा फोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी।
इस तरह से व्यूअर्स आपने चिप्स के साथ साथ बिल्कुल कपड़ा फोल्ड करना है और कोशिश यही करनी है कि आपका ये जो नीचे जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो। जिधर कपड़ा नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आपका डिज़ाइन वहाँ से ख़राब हो जाएगा। व्यूअर्स अगर आपको लगे कि आप इस तरह से सफाई के साथ फोल्ड नहीं कर सकते, आप इसको प्रेस करके इस्त्री की मदद से इसको बिठा लीजिए। बिठाने के बाद फिर आप इसको जो है सिलाई लगाइए, वो तरीका भी बहुत ईजी रहेगा। इसी तरह से व्यूअर्स आप इसकी सिलाई लगाते जाइए आहिस्ता आहिस्ता से। व्यूअर्स आप जो है इसको प्रेस कर लीजिए, करने के साथ इसको ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप इसको जब सिलाई लगाएंगे तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली उसको लगा सकते हैं। उस तरह से करना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आप इसी तरह से लगा सकते हैं इजीली, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप इस तरह से लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको प्रेस कर लीजिए। इस तरह से करती जाऊंगी मैं, करने के बाद इसके एंड पे जो आके फिर इसको जो बाकी एक्स्ट्रा मेरे पास कपड़ा बचेगा मैं उसको जो है वो फोल्ड कर दूंगी और वो मेरे पास सफाई से जो है डिज़ाइन मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा।